आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नाइका के क्वार्टर टू के रिजल्ट्स के बारे में। अभी कुछ ही मिनट पहले नाइका ने अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स को अनाउंस कर दिया, तो चलिए देखते हैं इस बार कंपनी ने कैसा प्रदर्शन किया है। रिजल्ट्स देखने से पहले मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ कि जो भी फिगर्स दी गई हैं वो सभी रुपीज इन मिलियंस में दी गई हैं, लेकिन हम इन्हें मिलियंस में नहीं करोड़ में कन्वर्ट करके बात करेंगे। तो अब देख लेते हैं कंपनी का टोटल इनकम यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो पिछले साल कंपनी की इनकम जहां 890 करोड़ रुपए थी, वो इस साल बढ़कर 1237 करोड़ रुपए हो गई है, जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 1156 करोड़ रुपए से बढ़कर ये 1237 करोड़ रुपए हो गई है। कंपनी की इनकम को अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं तो इसमें लगभग 39% की जंप देखने को मिल रही है। इनकम के बाद देख लेते हैं एक्सपेंसेस यानी कंपनी ने खर्च कितना किया। तो पिछले साल कंपनी का खर्च जहां 889 करोड़ रुपए था, वो इस साल बढ़कर 1228 करोड़ रुपए हो गया है, जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 1148 करोड़ रुपए से बढ़कर ये 1228 करोड़ रुपए हो गया है। कंपनी के एक्सपेंसेस को अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं तो इसमें लगभग 38% की जंप देखने को मिल रही है। अब इनकम में से एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा प्रॉफिट। तो देख लेते हैं इस बार कंपनी ने कितना प्रॉफिट जनरेट किया है। तो पिछले साल कंपनी का प्रॉफिट जहां 1 करोड़ रुपए का था, वो इस साल बढ़कर 5 करोड़ का हो गया है, जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 5 करोड़ से ये फ्लैट 5 करोड़ का रहा है। अब देख लेते हैं कंपनी का ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर। तो पिछले साल कंपनी का ईपीएस जहां 0.03 था, वो इस साल बढ़कर 0.09 हो गया है, जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 0.10 से कम होकर 0.09 हो गया है। ओवरऑल नाइका के रिजल्ट्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफी अच्छे देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि नाइका के रिजल्ट्स ड्यूरिंग द मार्केट ही आए हैं, तो 2% से ज्यादा की तेजी ये दिखाती है कि मार्केट ने भी इनके नंबर्स को चीयर किया है। नाइका के अच्छे रिजल्ट्स के साथ ही शेयर होल्डर्स के लिए एक और अच्छी खबर ये है कि नाइका ने पिछले ही महीने 1:5 का बोनस अनाउंस किया था, जिसकी रिकॉर्ड डेट अभी रिवाइज करके 11 नवम्बर कर दी गई है। इसी के चलते शायद कल नाइका के शेयर में 20% का अपर सर्किट देखने को मिला। अब बात कर लेते हैं नेगेटिव्स की। तो अभी पिछले ही हफ्ते नाइका के शेयर ने 52 वीक लो टच किया है। इसके साथ ही शेयर का पीई 1300 के ऊपर है, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है। अब अगर कोई शेयर इतने हाई पीई पर ट्रेड कर रहा है तो आपको उस शेयर को अवॉइड करना चाहिए। तो ये हमने देखा नाइका के क्वार्टर टू के रिजल्ट्स को। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।